विक्रम सिंह मजीठिया दे उत्ते FIR दर्ज होगी। पब्लिक डिमांड लोग चाहते हैं, पर डिमांड के उत्ते तो कलाकार गाना पेश करता। राणा साहब जेकर एक परिवार के वलों दो टिकट मंगिया जाते हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू है जोड़े वो इस गल की खिलाफत करते हैं। उन्होंने एक दिन रैली चा के गल कही कि कुछ क लोगों की राजनीतिक सड़क का अंत नेड़े आ गया, जिदे करके तुसी भी तत्ते भरे हुए। तुसी भी एक गल कही कि सिद्धू का आपदा नहीं पता चोणा तो किधर नूं पलटी मार जानी। सारा कुछ बोलो फिर बाद में बोलूं। हाँ, जी बोलो बोलो जी। मेरी गल मुक गई, थोड़ी मुक गई जी। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स इहदा कारण नो कमेंट दा इह तां नहीं भी कितने हरीश चौधरी साहब ने कहा जी कि दोनों जणियां दी असीं आपस दे विच गलबात ठीक करा देणी। सुखपाल सिंह खहरा दे वल्लों भी शब्द कवार किए जा रहे हैं। ये देखो वो लोग ही होर होंदे आ उड़ारियां मरन वाले, कदे एक टहनी तो दूजी टहनी ते दूजी तो तीजी ते मुड़ के फिर उसे पेड़ ते राणा होना चाहिए। जे सुखपाल सिंह खहरा नूं भुलत्तो टिकट मिलती है जोर लाओगे हराउण दे लई जां सिर्फ अपना जितण दे लई? मेरा ख्याल है कि तुहाडा सवाल ही गलत है। कांग्रेस कित्थे जे खड़ी मंदे हो अज, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब भंगड़े च मसरूफ आ, सिद्धू साहब चुटकले सुनने च मसरूफ आ, हुण तक गाउण वाले सज्जन नूं भी नाल लै लिया। स्टैप वधिया सी, माहौल वधिया सी, पाता भंगड़ा पंजाबीयत चलकी आ। सत श्री अकाल जी, तुसीं अजीत वैब टीवी देख रहे दोस्तों, मैं हाँ स्वर्ण सिंह टहणा। पंजाब दे विच राजनीतिक सरगर्मियां सिखर दे उत्ते आ, उबाला एकदम आउंदा कदे किसी दे बयान दा, कदे किसी दी वीडियो दा, कदे किसी दे पैर मिदण दा, कदे किसी दे बच निकलण दा, कदे किसी नूं कैंची लाउण दा। पंजाब दे विच पारा जिहड़ा उदां कुदरत आ जिहड़ी तापमान आ जिहड़ा वो 0 to 3 degrees पंजाब दे 13 तों वध ज़िलिआं दे विच चलदा, पर राजनीति दे विच हर रोज़ भंबल भूसा ते हर रोज़ नवां उबाला। राणा गुरजीत सिंह जिहड़े कि पंजाब कैबिनेट दे विच मंत्री ने, उन्हां दे नाल जुड़ियां कुछ क गल्लां ने, कुछ क नवीं खबरां बौड़ियां ने, तो उन्होंने विभाग दियाँ नवें कुछ क विवादां दियाँ कुछ क बयानां दियाँ गल्लां बातां असीं साझियां करांगे। साढ़े नाल स्टूडियो दे विच ने राणा गुरजीत सिंह जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल टहणा जी। ठीक ठाक हो चढ़दी कला दे विच? राणा जी, पहला सवाल बड़ा साफ ते स्पष्ट आ, कांग्रेस दे विच टिकटां दी वंड वेले आम तौर ते कलेश पैदा हुंदा, हुण तक जिन्ना क असीं देखिया जिन्नी क वार वोट पाउण दे समर्थ होए आ उदों तक असीं देखिया भी बाकी पार्टियां दे आगू भलवानी गेड़ा दे के ते 2-3 वारी चोण प्रचार मुका बैंदे आ, ते कांग्रेस वाले सोच रही हुंदी कि फलानी थां तों फलानी नूं टिकट देईए, उदों कलेश पैंदा। ऐतकी पहलां ही पै गया, की कहना चाहोगे? देखो जी, गल आ कि जिथे पार्टी का किसी का भी नुमाइंदा लगातार 5 साल गेड़ा रखता, लोगों की गल सुनता, उत्थे इदां दी कोई चर्चा नहीं हुंदी। तुम मेरा ला लो कपूरथले, मेरी 2002 च मैं पहली चोण लड़िया सी, 22 हुण नूं आ गई 20 साल, तो मालक दी कृपा आ। तो टिकट मंगण दा सारयां दा हक आ, टिकट एक नूं मिलनी है, वो पार्टी ने देनी है, तो पार्टी जिहनूं टिकट दे दिंदी आ। जदों मैं कपूरथले आया सी, मैं भी तां डिमांड ही कीती सी, मेरा कपूरथले की सीगा? अज आप मेहनत की आ, कपूरथला मेरा घर है, कपूरथले मेरे लोग है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे वोटर ने, सो ये चलता रहता थोड़ा बहुत। पर ऐतकी कांग्रेस के कई सीनियर नेता योजे जे कि दो टिकटा की चाहवान आ। मैं हूँ एक सूची पढ़ के हटिया, बीबी भट्ठल ने जोड़े वो अपने जवाई राजा दे टिकट दे चाहवान आ, इधरों चरणजीत सिंह चन्नी अपने भरा दे चाहवान आ, उधरों पता लगता जी कि सरदार लाल सिंह होरी भी अपने टब्बर के एक होर जी चाहवान आ, तुसी भी अपने पुत्र दे लई चाहवान हो, तुसी कपूरथले तो पुत्र नूं सुल्तानपुर लोधी तो सिटिंग MLA नवतेज सिंह चीमा जड़े वो इस गल की खासी खिलाफत कर रहे, तुहानूं लगता नहीं भी रेड़का वधूगा? देखो कोई भी कितों भी टिकट मंगे, एक मंगे, दो मंगे, पार्टी नहीं देनी, पर जो पार्टी फैसला करे सारे मंजूर हुंदा। और जिथे तई मेरा सवाल है कि मैं सुल्तानपुर हाले ते नहीं गया, और जे पुछो कि सुल्तानपुर च 2004 च मैं पहली बार जदों इलेक्शन लड़ा, उदों पहला कांग्रेस हरदी रही उत्थे, ते पहली बार है कि 15-20 हज़ार तो जदों MP इलेक्शन हुंदा सी ते ए सीट हरदे सी, ते 1400-1350 वोटां ते सी जित्ते। फिर इलेक्शन होया, फिर पार्टी हर गई,
फिर बहुत जोर लाया। 2009 च मैं तिना हल्कों च जितया, कपूरथला, सुल्तानपुर च 1850 वोट पर जितया, तरन तारण 300 कुछ वोटा थे, 327 थे, बाकी सब जगह मैं हरिया। सो कपूरथला और सुल्तानपुर बिल्कुल जुड़े हो इस हल्के दे लोग, जिवें शाहकोट कट्टर काली सीट मनी जाती सी, इदे सुल्तानपुर उतों मैं 3100 कुछ वोट पर पहली बार हरिया 2004 च। फिर उत्थे कम किया, उत्थे लाडी नूं प्रमोट किया, टिकटां किसी होर नूं मिलदियां रहियां। जिदन लाडी नूं टिकट मिली, बड़े थोड़े मार्जिन तों लाडी रह गया, लेकिन उहदे बाद फिर बाय इलैक्शन होया। लाडी मैनूं खुशी हुंदी है जाण के, कह के कि लाडी एक एस्टैबलिश्ड लीडर है। सो सुल्तानपुर नूं भी नर्स किया, लोहियां नूं भी नर्स किया, इहदे कांग्रेस मजबूत की है। पर राणा साहब, जेकर एक परिवार के वलों दो टिकटां मंगियां जांदियां तां नवजोत सिंह सिद्धू आ जिहड़े उह इस गल दी खिलाफत करदे आ, उन्होंने एक दिन रैली चा के गल कही कि कुछ क लोगों की राजनीतिक सड़क का अंत नेड़े आ गया, जिदे करके तुसी भी तत्ते भरे होए, तुसी भी एक गल कही कि सिद्धू का आपदा नहीं पता चोणां तां किधर नूं पलटी मार जाणी है। सारा कुछ बोलो फिर बाद च मैं बोलूंगा। हाँ, जी बोलो बोलो जी, मेरी गल मुक गई, तुहाडी मुक गई जी। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, इहदा कारण नो कमेंट दा, इह तां नहीं भी कितें हरीश चौधरी साहब ने कहा जी कि दोनों जणियां दी असीं आपस दे विच गलबात ठीक करा देनी है। हाले तईं तां नहीं कहा, लेकिन ड्यूटी तां जनरल सैकटरी दी ही हुंदी, प्रभाव भी हुंदा, मननी भी पैंदी आ। हाई कमांड दा हुकम मैं तां हमेशा सिर मत्थे मन्निया। बिल्कुल ठीक आ। पर सुखपाल सिंह खहरा दे वल्लों भी शब्द कवार किए जा रहे आ। भाई जान देखो, मैं वो जो जेल गए कादे करके गए वो भी जिक्र नहीं मैं करना चाहता, लेकिन मैं वो अगेंस्ट नहीं बोलिया। पर मैं अपने आप को इस समझदा कि भी ग्रेस विखानी चाहिए है, वो परेशानी चाहे वो ते कमेंट मैं करा अच्छा नहीं लगता। पर फेसबुक के उत्ते लम्मी चौड़ी पोस्ट पाई उन्होंने, बीजेपी राणा साहब की गंढ तोपा। पहली गल तो होम मिनिस्टर नूं इस गल का कॉगनीजेंस लेना चाहिए कि जेलों चो अज भी लोग फेसबुक चला रहे, किदां चल सकती है फेसबुक। उन्हां दे हवाले नाल शायद पुत्र ने पाई होवे जां किसे ने, पुत्र ने पाई आ तो फिर धोखा लोगों ना, लोगों नूं बेवकूफ बनाउणा इदां नहीं चाहिए। और जिथे तई बीजेपी की गल आ, ये देखो वो लोग ही होर हुंदे आ उड़ारियां मरन वाले, कदे एक टहनी तो दूजी टहनी ते, दूजी तो तीजी ते, मुड़ के फिर उस पेड़ ते। राणा उन्हां चों नहीं है। बहुत खूब। पर राणा साहब, पिछले कुछ क समय तो चुंझ चर्चा जी सोशल मीडिया से भी चलती है आम लोगों के भी जिमें बीबी जगीर कौर तो सुखपाल सिंह खहरे का छत्ती का अंकड़ा तुहाडा भी तो खहरे होर बन गया, ये गल सची है? ये तो जग जाहिर है, इस कोई अनकथनी नहीं है। क्यों बन गई मैनू इहदा भी नहीं पता। नहीं पर इहदे बाबत लोग ये गल कहिंदे आ वड्डी गिणती दे विच भी जदों तुसीं कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार बनी, वजारत दे विच मंत्री बने, उह सीगे विरोधी धिर दे नेता, तुहाडे उत्ते कुछ क दोष लगे, रौला पिया, तुहानूं अस्तीफा देना पिया। हुण खहरा होरी भी कांग्रेस दे विच आ, तुसीं दुबारा मंत्री हो, फिर उत्थे जा के कोई ना कोई टकरा ये चलदा रहिंदा हुंदा जिंदगी च। कई दफा स्टार्स नहीं मिलदे, मैं तां इही कहूंगा स्टार नहीं मिलदे। जे सुखपाल सिंह खहरा नूं भुलातो टिकट मिलती है, जोर लाओगे हराने के लिए जां सिर्फ अपना जितने के लिए? मेरा ख्याल है कि यह थोड़ा सवाल ही गलत है। मैनू जोर लाने की लोड़ नहीं पैगी, नहीं पैगी जी, मैं जोर लाने की लोड़ नहीं पैगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗੜੇ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਭੰਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ PTU ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸਟੈਪ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਾਤਾ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਝਲਕੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਬਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੂਲਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਸੀਰੀਅਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ। ਪਰ ਆਖਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਰੀਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੁਲੀਗਸ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਛਾਂ ਖਿੜ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 16,000 ਵੋਟ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਨੇ ਲਈ 23,000 ਵੋਟ, ਅਤੇ 10,000 ਵੋਟ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ 6,000 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵੋਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਵੋਟ 1 ਬੰਨੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 23,000 ਵੋਟ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟੈਕਟ ਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, 80,000 ਵੋਟ 'ਚੋਂ 23,000 ਵੋਟ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 28-30% ਵੋਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ BJP ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ, ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰਹੀ ਇਸ ਰਾਜ 'ਚ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਧਰਲੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵੇਖੋ, ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਜੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ? ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਹਿਣਾ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ ਟਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਚਲੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੱਕਰ ਆ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੋਕਿਟਸ ਆ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਫ ਐਵਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਜ਼ ਐਜ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 1-2 ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੱਤੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿ ਗਲਤ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਪਰ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਬਗਰਾੜੀ, ਬੇਅਦਬੀ, ਗੋਲੀਕਾਂਡ, ਬਿਲਕੁਲ
ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ? ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਸ ਨੋਟ ਦੀ ਐਂਡ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਐਕਸ਼ਨ ਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦ, ਕਈ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਉਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ? ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਰਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਨੌਰਥ ਈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ ਆ, 7 ਸੂਬੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ MP ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰੀਬ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ ਦੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਜਟ ਆ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ 10% ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ 23,000 ਕਰੋੜ ਸੀ 2009 'ਚ, ਇਸ ਸਾਲ 62,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਾ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ 300 ਫੁੱਟ ਤਾਈਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਰੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 83% ਟਿਊਬਲ, 17% ਟਿਊਬਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ 300 ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਏ, ਔਰ 600 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ 1 ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚਲੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਝੋਨਾ ਚਾਹੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਆ ਡ੍ਰਿਪ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 50% ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਲ 1.5% ਡ੍ਰਿਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ 50% ਔਰ ਕਰੀਬ 80% ਆਂਧਰਾ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਕਲਟੀਵੇਬਲ ਉਹਦਾ 80% ਅੰਡਰ ਡ੍ਰਿਪ ਆ। ਤੋ ਸਾਡੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ 90% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ 10% ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਈਏ, ਤਰੀਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲੀਏ, ਸੋਇਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੀ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ GST ਮਾਫ 10 ਸਾਲ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਟ ਇਕੁਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੋਂ ਬੰਬੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਫਰੇਟ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਈਅਰਸ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਸੇਵ ਪੰਜਾਬ? ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਫਰੇਟ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਰੇਟ ਇਕੁਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਵੀਰਾਨ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਥਿੱਕਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
1.5-2% पर धरती पंजाब नूं ना सारे हिंदुस्तान नूं अनाज दे रही है। ये बारे सोचना, ये ड्रिप इरीगेशन बारे सोचना, इंप्लॉयमेंट बारे सोचना, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आ, फिर की होएगा? जे भुखमरी होएगी, लोगों की खुशहाल नहीं होंगे, तो फिर मुल्क का नुकसान आ, क्योंकि दूजे बन्ने पाकिस्तान आ, वो शरारतां करन नहीं हटते, तो अनइंप्लॉयड बंदे जो मर्जी कर सकते हैं। सो अज भारत सरकार को इहदे बारे सोचना चाहिए। राणा साहब, जिहड़ा महकमा तुहाडे कोल आ, थोड़े क महीने पहला तुहानूं मिलिया हैगा, इहदे विच तुहाडे वल्लों कीते गए कोई पंज महत्वपूर्ण काम जिहड़े कि असीं चाहुंदे साडे दर्शकां दे सामने हो जाण? देखो जी, पंज तां नहीं मैं गिणा पाऊंगा जी, जिन्हें गिणाऊंगा जरूर। 1961 दे विच नर्सरी एक्ट बनिया, उस एक्ट दे विच कुछ भी नहीं। हुण 61 तो लैके 22 आ गई आ, इन्ने साल मतलब करीब करीब 60-65 साल हो गए, 60-62 सालों के नर्सरी एक्ट उत्थे दा उत्थे खड़ा। दुनिया ने तरक्की की, बड़िया बड़िया चेंजेस आईया, और अज असी ट्रेसेबिलिटी की गल की है। पंजाब जिहड़ा धरती है ना, पंजाब की धरती च दुआबे का जिहड़ा इलाका, इहनू गॉड गिफ्टड एक चीज़ है कि भी आलू जिहड़ा इत्थे पैदा करिए उहदे च वायरस आ जांदा। वायरस आउंदा 5 जनवरी के लागे छागे, और सानू खासे दिन मिल जाते आ, 1 अक्टूबर, 2 नवंबर, 2 दिसंबर, करीब 95 दिन, 100 दिन आलू नू पकाउण लई इन्ने दिन बहुत हुंदे आ। और सीड जिहड़ा आ एफिड खराब करदा, एफिड नहीं सॉरी वायरस, और दुनिया दे विच उहदे बड़े नेट हाउसेज और बड़े महंगे महंगे उहनां दा बी पैंदा। असी 1/8 ऑफ द कॉस्ट ते उह बी इत्थे तैयार कर सकदे आ। उहदा लॉ उहदा चेंज लिआंदा, ट्रेसिबिलिटी नू उहदे विच रख्या, ताकि यूपी च पैदा करके तुसीं पंजाब दी मोहर ला के वायरस वाला बी सारी सूबे च दे दिओ, ते पंजाब दा नौ खराब होवे। अज ते हुंदा सी, हुण ट्रेसिबिलिटी नाल जद सारा जाएगा, उहदी सर्टिफिकेशन होएगी, उहदी टैगिंग होएगी, इंस्पैक्शनस होणगियां, ते इहदे नाल आउण वाले समें च हो सकदा है कि विदेश च भी असीं एक नौ पैदा करके इत्थों माल एक्सपोर्ट करिए। इस तरह बागवानी की गल करो, ये नर्सरी एक्ट जिहड़ा असीं बदलिया, इहदे विच विधानसभा च पास भी कराता विद इन शॉर्ट टाइम, और वह एक्ट दोबारा अमेंडमेंट करके पास हो गया। ये की आदा रूट स्टॉक की आ, जड़, उस जड़ तो असी पौधा किहड़ा तैयार कर रहे हैं, वरायटी किहड़ी तैयार कर रहे हैं, नर्सरियां रजिस्टर होणगियां, और इहदे ते रोक टोक होएगी, और सर्टिफिकेशन इच भी होएगी। हुण की आ कि भी कोई किसी ने बूटे लिया के नर्सरी च रख दते ते उही असी बीज दते, 7 सालों बाद पता लगता कि भी यार बूटे नूं फल घट आ रहा, किहड़ी वरायटी आ, वरायटी चेंज हो गई, 100 गल्लां। सो ये इस गल का बड़ा वड्डा फायदा होएगा। और उहदे अलावा जिथे तई टैक्नीकल एजुकेशन की गल करो, समय बहुत थोड़ा सी, उहदे बावजूद मन च मेरे आया कि जिहड़ियां ITIs है इन्हां नूं सीधा इंडस्ट्री नाल जे नहीं जुड़दियां, तो उन्हां नूं प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली हत्थां नाल काम करन दा मौका नहीं मिलता, थ्योरीकली मिल जाती है। सो ITI शुड बी कंसर्न किसी ना किसी इंडस्ट्री नाल जोड़िया जाए, और उस इलाके की इंडस्ट्री का जिहड़ा चेयरमैन ITI दा बनाउणा, वह एक इंडस्ट्रियलिस्ट होना चाहिए जिहड़ा जिन्हों इंडस्ट्री बारे पता। हुण बड़े ट्रेड्स आ, जिदा वैल्डर की गल कर लो, टर्नर की गल कर लो, ये तो आम आ, और अज इंडस्ट्री की डिमांड PCL DCS ये ओपरेटर नहीं लभदे, और तुसीं बहुत सारी इंडस्ट्री की डिमांड है जिहदे उन्हां नूं, जिवें इत्थे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की गल कर लो, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट 1600 करोड़ रुपये हिंदुस्तान का, भी यार साढ़े गुआंढी मुल्क 18,000 करोड़, तो जे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री नूं ही असीं प्रमोट कर लीए तो पंजाब च खासे लोग इंप्लॉय हो सकते आ। उस ट्रेड के बच्चे असी उन्होंने टैक्नीकली ट्रेन करके वो करिए। सो PTU दे विच भी मैं जलंधर दे ही स्पोर्ट्स वाले नूं डायरेक्टर बनाने की कोशिश कर रहा, ताकि उन्हां दी दिलचस्पी होवे। वो होर इदों उपर आपां जाइए तो अज IELTS दे लोग बाहर जाण दा बड़ा शौक आ, नौजवान जा रहे आ, और बड़ियां ठगियां वज रही उन्हां नाल, किसी कोई सही जगह पहुँच जाता कोई पहुँचता ही नहीं, कई दफ़ा चार्जेस दुगने तिगने फीसां दे हो जाते हैं, तो लोग बिलकते फिरते आ। उहदे लई साडे डिपार्टमेंट ने, इंप्लॉयमेंट जनरेशन ने गल की आ विद 3-4 एम्बेसीज, और उहदे च होम का एक इशू आ रहा सी, होम्स मिनिस्ट्री ना पंजाब दी ना बह के असी सॉर्ट आउट करके उहदा एक बनाया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक टू दोज कंट्रीज़ लाइक कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, मे बी अदर कंट्रीज़ ऑल्सो, उन्होंने गलबात
करके एक उन्होंने फिक्स करांगे 5500 लोग जिहड़े भारत सरकार च जां पंजाब सरकार तों बाहर बच्चे भेजण दा जिन्हां कोल लाइसेंस आ, चाहे वह एजुकेशन लई होवे या उदां होवे, ते इत्थे ओपरेट कर रहे 15000 लोग नजायज़। हुण वेखो जदों किसी ने ठगी वजे तो फिर पुलिस नूं कम ला दीदा उधर। सो इहदे च स्ट्रीमलाइन करन दी असीं यतन कीता, शुरुआत कर दित्ती आ। हुण कोड पहलां लग जाए तां राणा कुछ नहीं कर सकदा, लेकिन सोच जरूर है। राणा साहब, मेरा आखिरी सवाल आ भी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल थोड़े बड़े गूढ़े रिश्ते रहे आ। हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी वक्री पार्टी दे मालक आ, कदे उन्होंने आख्या नहीं भी राणा साहब आ जाओ सैन तुम्हारी होवे भी अपने वल ठीक आ, इधर तो ऐं चली जाना। देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं इस गल का पूरा ज्ञान है कि जब 2016 दे विच उन्होंने प्रधान नहीं बना रही सी पार्टी, तो उन्होंने मन सेगा कि मैं अपनी पार्टी फ्लोट करा। आई वॉज द फस्ट मैन टू टैल हिम कि तुहाडी टिकट ते दुआबे च राणा नहीं जितदा, तुम होर किसी की गल करते हो, बाकी पंजाब का मैनू पता नहीं। एंड ही नोज आई एम ट्रू कांग्रेसमैन। बहुत खूब राणा साहब, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं समां कढ़िया, कुछ कु सवाल असीं तिखे भी पुछण की कोशिश की है, तुसीं अपने मुतलक मंझे हुए ने तां तुसीं किसे सवाल का जवाब तुसीं बहुत संखेप दिता, किसे सवाल का जवाब 9 मिंट दे विच ते किसे दा विस्थार दे विच, मंझे हुए राजनीतिक व्यक्ति दी निशानी है। सियासत च मैं फेल बंदा हो सकदा, लेकिन खेतीबाड़ी होवे, इंडस्ट्री होवे, टैक्नीकल एजुकेशन होवे, टैक्नीकल एजुकेशन च एक गल मैं कहनी भुल गया कि ये जिक्र भी होया, हुण बन पाउंदा नहीं बन पाउंदा, कि मां बाप अपने बच्चों दीआं फीसां भी दिंदे आ, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन उन्नी बेहतर नहीं जिनी होनी चाहिए। देर इज़ नो रेगुलेशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ अपनी मनमर्जी ना सारा कुछ, फीस भी उन्हां दी मनमर्जी ना, बच्चा भी उन्हां दी, पेपर भी उन्हां दा, मार्किंग भी उही करदे आ। तो सानू जे बच्चों का फ्यूचर वेखना, खाली पैसे और वजीफा ही गल नहीं, बच्चे बारे सोचो जिन्हें तीन अपनी जवानी दे जदों उन्हें सीखना सी, तीन या पाँच साल डिप्लोमा किया, 3 साल डिग्री की, 5 साल, तो वह जीवन के जोड़े 5 साल है, जो उन्हें सही एजुकेशन नहीं मिली तो वह जिंदगी 5 साल कौन वापस करूगा। इसलिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी बहुत जरूरी है फॉर हायर एजुकेशन। बहुत मेहरबानी राणा साहब, असं चाहते हैं कि पंजाब का कुछ चंगा हो, सची मुची हो, लोगों वोटर अपनी वोट का कदे ना कदे ये लगे भी चंगा ही किया, असी जिन्हों भी चुनिया कमाल हो गई, पंजाब सची मुची सोने की चिड़ी बन जाए। बहुत धन्यवाद टाणा जी, थोड़े ना पहली मुलाकात है, बहुत देर च हुई लेकिन दुरुस्त हुई, बहुत मेहरबानी। तो दोस्तों, ये सन राणा गुरजीत सिंह जी, जिन्होंने वक् वक् विषयों के उत्ते वक् वक्रे विचार पेश किए हैं, तो तुहानू ये मुलाकात किवें लगी, अपनियां राय टिप्पणियां सानू जरूर भेजो, बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।